प्रशासन ने मेला क्षेत्र को 5 जोन व 12 सेक्टरों में बांटा है। इस दौरान प्रत्येक जोन व सेक्टरों में सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। वहीं लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था में हजारों पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। बरसाना की प्रसिद्ध लड्डू व लट्ठामार होली मेला को अमली जामा पहनाने के लिए सोमवार को कस्बे के राधा बिहारी इंटर कॉलेज में SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिसकर्मियों की बैठक ली। इस दौरान SSP ने सभी पुलिसकर्मियों को साफ निर्देश देते हुए कहा कि बाहर से आए सभी श्रद्धालुओं से ठीक तरह पेश आए। सभी श्रद्धालु आस्था और सेवा के साथ इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं, उनके साथ मधुर व्यवहार का परिचय दें और ड्यूटी पॉइंट पर तैनाती के साथ खड़े रहें। बरसाना की होली विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु भाग लेने आते हैं। ऐसे में प्रत्येक पुलिसकर्मी को बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना फर्ज निभाना है। वहीं लावारिस बैग या किसी अन्य वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति पर अपनी पैनी नजर रखी वहीं लावारिस बैग या किसी अन्य वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति पर अपनी पैनी नजर रखनी होगी। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मेला क्षेत्र में वन वे की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही सादा वर्दी में पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पूरे मेला क्षेत्र को 5 जोन व 12 सेक्टरों में बांटा गया है और 3 अतिरिक्त सेक्टर भी बनाए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र पर CCTV कैमरों द्वारा नजर रहेगी। बरसाना में 5 किलोमीटर की दूरी पर सभी वाहन रोक दिए जाएंगे। मेला स्थल में बाइक व रिक्शा चलने पर प्रतिबंध रहेगा। मेला स्थल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगेगी। गहवरवन कुंड, प्रिया कुंड, ब्रजभान कुंड की बैरिकेटिंग, मेला स्थल को 5 जोन व 12 सेक्टरों में बांटने के साथ साथ 1100 पुलिसकर्मी और 2 प्लाटून PSC मौजूद रहेगी। होली जो की विश्व प्रसिद्ध आयोजन के रूप में यहाँ पर कस्बा बरसाना और नंदगांव में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 10 तारीख को यानी कि कल यहाँ पर लड्डू होली का आयोजन होना है, 11 तारीख को लठामार होली का और फिर 12 तारीख को नंदगांव में। इस पूरे आयोजन को सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ इंतजाम करने के लिए आज यहाँ ब्रीफिंग की गई है। पूरे क्षेत्र को 5 जोन्स में बांटा गया है, जिसके प्रभारी एडिशनल SP रैंक के अधिकारी हैं। उनके साथ जो सेक्टर्स में बांटे हुए जो एरियाज़ हैं उनके प्रभारी CEOs हैं, जिनके साथ इंस्पेक्टर्स लगे हैं, सब इंस्पेक्टर्स और भारी संख्या में फोर्स दिया गया है। विशेष रूप से जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु और दर्शनार्थी हैं उनकी सुरक्षा, उनकी सुगमता और उनकी सुविधा के लिए, ताकि वो जहाँ से भी आए हैं वहाँ से आए हैं तो मंदिर में दर्शन कर सकें और यहाँ पर होने वाले आयोजन का आनंद ले सकें, उसके लिए पार्किंग की और ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था की गई है। सभी गाड़ियां जो हैं 4 पहिया या 2 पहिया वो कस्बे के बाहर विभिन्न पार्किंग्स में रोकी जाएंगी। वहां से सभी लोग पैदल यहां पर आएंगे और मंदिर पर भीड़ को देखते हुए विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं। हमें पूरी आशा है कि राधा रानी जी की कृपा से ये पूरा आयोजन बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाएगा और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका हमेशा से हम लोगों को सहयोग रहा है, इसी तरह से आने वाले दिनों में भी उनका पूर्ण सहयोग हम लोगों को मिलेगा। सर कितने CEO और कितने कांस्टेबल कितने दरोगों की ड्यूटी लगाई है? देखिए जैसा कि मैंने बताया कि 5 जोन्स में बांटा गया है तो 5 एडिशनल SPs लगे हैं इसमें, 15 के आसपास CEOs इसमें लगे हैं, भारी संख्या में इंस्पेक्टर्स और कॉन्स्टेबल्स इसमें लगाए गए हैं, PAC भी यहाँ पर रहेगी और ड्रोन कैमरा से भी इस चीज़ की निगरानी की जाएगी। सारी व्यवस्थाएं हमारे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं और कल से यहाँ पर ड्यूटी आरंभ हो गई। भी पूछा था कि नंदगांव वालों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी आने जाने के लिए? देखिए जो हमारे हुरियारे हैं जो नंदगांव से आते हैं बरसाना में लठामार होली के आयोजन के उपलक्ष्य में, तो उनके साथ समन्वय बनाने के लिए और उनकी मूवमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित चौकी इंचार्ज को नियुक्त किया गया है। वो वहाँ से उनको लेकर के आएंगे और यहाँ पर जहाँ तक भी उनको आना है, प्रिया कुंड तक आना है, वहाँ तक कैसे वो आएँ और कैसे मंदिर तक जाएं उस पूरी की व्यवस्था और चिंता। एक सवाल मेरा पहले भी रहा था और एक सवाल ये मेरा आज भी है कि नंदगांव के लिए तो व्यवस्था हो जाती है लेकिन जो बरसाना के जो हुरियारे होते हैं उनके लिए लॉटरी सम कोई व्यवस्था नहीं होगी? देखिए जिस तरह से नंदगांव के हुरियारों के लिए बरसाना में हमने व्यवस्था की है उसी तरह से यहाँ के चौकी इंचार्ज को नियुक्त किया गया है। अगले दिन जब नंदगांव जाएंगे तो उनकी पूरी सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए वो इंतजाम